स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल टेजॉक व्लॉग में। मेरा नाम है मेघराज। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? दोस्तों आज हम आपको ले जाएंगे हैदराबाद के 3 बेस्ट टूरिस्ट प्लेस जो कि आपको जरूर घूमना चाहिए। एंड अगर आप हैदराबाद आए हैं और कम समय है आपके पास तो आप एक ही दिन में ये तीनों जगह विजिट कर सकते हैं और आपका इसमें वक्त भी बचेगा। एंड ये तीनों जगह आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। गोलकोंडा फोर्ट कुतुब शाह वंश के शासकों ने बनवाया था जो कि 1512 से शासन किया गया था। ये खूबसूरत जगह उन्हीं की देन है। कहते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा हीरे का व्यापार यहीं किया जाता था एंड कोहनूर हीरा भी यहीं का था। जिस भी तरीके से इसे बनाया गया है वो बेहतरीन था एंड इतना बड़ा दरवाजा देख के बाहुबली की याद तो आ ही जाती है। दोस्तों उस जमाने के इंजीनियर ने जो काम किया था वो आज भी नहीं किया जा सकता। और यहाँ का माहौल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा बेटर लग रहा है। हम लोग को जल्दी जल्दी ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कुछ नहीं लेट हो रहा है और क्या है कि नहीं। कहते हैं घर का भेदी ही लंका ढहाए। इतने खूबसूरत इमारतों को बर्बाद करने के पीछे घर के लोगों का ही हाथ था। फिर भी गोलकोंडा फोर्ट उन यादों को भुला नहीं सकता, ये हमारा इतिहास बताता है। वैसे दोस्तों यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है मगर आप नज़ारा देखते हुए ऊपर चढ़ोगे तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। अगर आपको गोलकोंडा फोर्ट के बारे में और अधिक जानना है तो मैंने एक फुल वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन के माध्यम से क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। ये हमारे साथ 5 कलाकार दोस्त, जैसे व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे महाराजा रहता था और ये महाराजा की खिड़की है, वहीं से व्यू का मजा ले रहे हैं। दोस्त ये खिड़की का व्यू है, यहाँ से पूरा दुनिया दिख रही है। सॉरी मुझे भाई, यहाँ से उतरने के बाद तो सिक्योरिटी फील हो रहा है इसलिए आराम से। दोस्तों अभी हम हैं हुसैन सागर में एंड हम 50 रुपए में विजिट करेंगे गौतम बुद्धा की अखंड मूर्ति जो कि एक टापू के बीचों बीच स्थित है। दोस्तों यहाँ के छोटे छोटे जहाज अच्छे दिख रहे हैं एंड इसे अच्छे तरीके से बनाया भी गया है। टापू में बसी बुद्धा की ये मूर्ति बहुत खूब दिख रही है। टापू में होने की वजह से शाम के समय यहाँ 4 चांद लग जाते हैं एंड शाम के समय दोस्तों यहाँ विजिट करना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हुसैन सागर में बना बुद्धा की ये अखंड मूर्ति यहाँ की शोभा को बहुत बढ़ा देती है, साथ ही इस टापू की रौनक भी बढ़ जाती है। बस याद रखना आपको शाम के समय ही विजिट करना है, तभी यहाँ का बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा लाइटिंग के साथ। दोस्तों अब हम जा रहे हैं चार मीनार। यहाँ की भीड़ देख के तो दोस्तों मैं दंग रह गया। वैसे इतनी भीड़ के बीच अच्छा तो लग रहा था क्योंकि यहाँ की रौनक भी तो बढ़ रही थी। सच कहूँ तो चार मीनार खुली आंखों से तो शानदार दिख रहा है एंड चार मीनार की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाने का काम यहाँ का बाजार करता है जो कि बहुत ही शानदार है। तो थोड़ा मनी तो रख कर आना क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हो। शाम हो गई है, यहाँ पे मार्केट से बहुत ही सुंदर लगा हुआ और चार मीनार यहाँ से थोड़ा बढ़िया बेटर दिख रहा है। हम लोग अंदर जाने का मौका नहीं मिला कि 5:30 बजे बंद हो जाता है, 5:30 बजे बंद हो जाता है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर ही घूम लें। और बाहर घूम लें तो बाहर का माहौल भी देखा जाए तो देखो बढ़िया, बहुत सुंदर। अब दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूंगा, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय, जय हिंद।